हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कश्यप्स किचन चैनल में। आज की रेसिपी है रुई भापा। ये ऑथेंटिक बंगाली रेसिपी है जो कि बहुत फ्लेवरफुल और टेस्टी होती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही कम मसालों में ये तैयार होती है और इसे हम स्टीम करके बनाते हैं। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें रोहू मछली चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 4 पीसेज रोहू मछली के लिए हैं जो कि मीडियम साइज़ के हैं। तो इन्हें हम थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे मसालों के साथ, जो कि बेसिक मसाले हैं नमक और हल्दी। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटी चम्मच नमक ऐड किया है और इसके साथ ही 1/4 छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसमें जाएगा नींबू का रस, तो यहाँ पर मैंने आधा नींबू का रस लिया है। स्पून से मेज़र करेंगे तो ये आधा टी स्पून नींबू का रस होगा। इसे निचोड़ने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले आपस में कोट हो जाए मछली के। तो यहाँ पे देखिए, इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें इसे मिक्स करना है, उसके बाद हम इसे साइड में रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया, तो अब इसे साइड में रख देते हैं। और अब चलते हैं हम मसाला पेस्ट बनाने के लिए, जिसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून ड्राई, और इसके साथ ही जीरा लेंगे 1 छोटी चम्मच के करीब है ये। आप चाहें तो जीरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पीला सरसों का दाना भी हमें 1 टेबल स्पून चाहिए। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिए। तो इन सब को हम एक मिक्सिंग जार में डाल के पानी के साथ अच्छी तरह से फाइन पेस्ट तैयार करेंगे इसका। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के पीसिए। तो यहाँ पर इस तरह से हमने पेस्ट तैयार कर लिया। अब मछली को जो हमने मसालों के साथ मैरिनेट करके रखा था, उसमें हम ये मसाला पेस्ट डालेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा 4 टेबल स्पून के करीब दही, ये डाल देते हैं इसमें। इसके बाद इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल 2 टेबल स्पून के करीब ऐड कीजिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए मछली के। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है मछली को मसालों के साथ। तो इस तरह का हमें एक बर्तन चाहिए जिसके ऊपर इस तरह का ढक्कन होना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से कवर हो जाए और उसके अंदर स्टीम ना जा सके। तो आप कोई भी बर्तन ले लीजिए और उसमें हमने जो मसालों के साथ मछली को मैरिनेट किया है वो इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से उसे कवर कर देंगे ताकि मछली मसालों के अंदर रहे और जब हम इसे स्टीम करें तो बहुत अच्छी तरह से कुक हो। तो इसके बाद इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, स्लिट करके बीच से इस तरह से चीरा लगा लीजिए। इस हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये मसालों के साथ जब स्टीम होता है तो उसका टेस्ट बहुत ही निखर के आता है। तो ज़रूर ऐड कीजिएगा और जितना भी आप चाहते हैं उतना ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च को स्लिट करके ऐड किया है। अब कवर लगा देते हैं और इसे हम स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए एक बर्तन में मैंने यहाँ पे 2 ग्लास के करीब पानी लिया है, पानी हल्का गुनगुना है। तो इसके बीच हम एक वायर स्टैंड रख देंगे इस तरह से, ताकि जो बर्तन है वो बेस में चिपके ना, इसके लिए हम कोई भी स्टैंड इसमें रख देंगे। अब इसके ऊपर हमने जो बर्तन में मछली रखा है मैरिनेट करके वो डाल देंगे, और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा हम इसे कवर करके 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे कवर कर लिया 20 मिनट के बाद। हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और जैसे ही ये थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद हम कवर हटा के इस बर्तन को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो हमने बर्तन को बाहर निकाल लिया। अब हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे ढक्कन हटाया मैंने और आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये ऑयल पूरी तरह से ऊपर आ गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मछली भी बहुत अच्छी तरह से कुक हुआ है और ये इतना फ्लेवरफुल होता है। और आपने देखा कि बहुत ही कम मसाले जाते हैं, बेसिकली इसमें हम मस्टर्ड सीड ऐड करते हैं, उसका ही फ्लेवर होता है मस्टर्ड सीड और मस्टर्ड ऑयल का। तो यहाँ पे इसे अब सर्व कर लेते हैं। आप इसे प्लेन राइस के साथ सर्व कीजिए, आपको बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल लगेगी ये रेसिपी। तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस रेसिपी का इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।